यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में मिलता है लेकिन उधर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो विदेश वाले नंगे भूखे थे, उनके पास पैसा था ही नहीं देने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था तो देते नहीं थे। आप कह रहे जी वो उनके वो नंगे भूखे थे वो नहीं देते, हम भी नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? तुम भारत में रहते हो तो देना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता बेटियों को मिलेगा। एक मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूं आपको, दिल्ली में नोएडा में रिपब्लिक चैनल में काम करती है एक बिटिया, उसका नाम है बेनजीर हिना, वो केस मैं ही लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। उसका हस्बैंड है दिल्ली हाई कोर्ट में वकील, बेनजीर रहती है गाजियाबाद में, शादी हुई दिल्ली में। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं ये कुरीतियां केवल अनपढ़ों के यहां है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। अप्रैल में एक चिट्ठी भेजा मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, मई में एक चिट्ठी भेजा मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। चूंकि चिट्ठी भेजने में 30-30 रुपए खर्च हो रहा था रजिस्ट्री का, तो तीसरी बार उसने रजिस्ट्री भी नहीं किया, जीमेल कर दिया, ईमेल पे भेज दिया हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं। पेटीएम से 15,000 रुपए पैसा भेज दिया, बोला तुम्हारा 3,000 रुपए 3 महीने का खर्चा, उसका एक छोटा सा प्यारा बच्चा 1 साल का, बोला 2,000 रुपए इसका दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में वो तलाक हसन हो गया और खुद जाकर उसने दूसरी शादी कर ली। नोएडा में 1 BHK का मकान 15,000 रुपए मिलता है, उसने एक मां और बेटी को 17,000 रुपए देके निकाल दिया। चलो वो तो ठीक है, नौकरी कर रही है, वो तो सरवाइव कर रही है। ऐसे अनगणित बेनजीर हिना है। एक दूसरा मेरे पास केस आया बॉम्बे से, फादर आटा चक्की चलाते हैं, बेटी को 3 बार तलाके एहसन करके भेज दिया। आटा चक्की चलाते हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये केस हाईकोर्ट चलेगा सुप्रीम कोर्ट चलेगा। किसी से मदद मांगी, किसी ने बताया आप दिल्ली चले जाओ, वो बेचारे चालू डिब्बे में आए, गर्मी के महीने में दिल्ली में 24 घंटे की यात्रा करके आए थे मेरे पास। मैं आया देखा तो पसीना पसीना, फिर मैंने उनका केस फाइल कराया। एक तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, कर्नाटका में कलबुर्गी, डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, सास भी डॉक्टर, ससुर भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम, तलाके बाइन देके निकाल दिया। तलाके बाइन मतलब जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया। यह चल रहा है भारत में, यह भारत की कुरीति है क्या? कहां की कुरीति है? लेकिन वो रहते भारत में, और कुरीति कहां वाली चाहिए उनको? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स खत्म, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स खत्म, मेंटेनेंस सबको खत्म से मतलब कॉमन हो जाएगा, और गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। फायदा किसको हुआ? कन्वर्टेड हिंदू बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। क्या हो रहा है? मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ, हिंदू जैन बौद्ध सिख में क्या किया, भाई का बेटा गोद ले लिया, बहन का बेटा गोद ले लिया, पड़ोसी का बच्चा गोद ले लिया, जिसको ठीक लगा गोद ले लिया, उसको अपने पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे के जैसा पाला पोसा, पूरी प्रॉपर्टी दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यवस्था नहीं है, दूसरे का बच्चा अगर गोद लेते हैं तो उसको पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब मान लो प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो, 3 पेट्रोल पंप हो, या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो बच्चा तो चाहिए, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब मान लो शौहर में ही कोई कमी है इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा, और बच्चा चाहिए तो दूसरी शादी कर लिया, बच्चा पैदा होगा क्या? जोर से बोलिए। तो घर में सौतन आ गई, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम तो हस्बैंड में थी। सौतन आ गई, घर में टेंशन बढ़ गया, लेकिन समस्या जो की त्यों, बच्चे नहीं हुआ। 2 शादी कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, क्या फर्क पड़ता, बच्चा होगा ही नहीं, कमी तो हस्बैंड में। दूसरा एक और प्रॉब्लम, चूंकि बेटा और बेटी एक समान नहीं है,
तो अपनी प्रॉपर्टी को दामाद को भी नहीं दे सकते। जैसे यहां कई लोग ऐसे होंगे जिनके दो बेटी हो गई होगी, बोले आप बेटा नहीं चाहिए भैया, ठीक है, ऐसे भी होंगे यहां पर। उधर दूसरी समस्या है कि बेटी और बेटा एक समान नहीं होता, इसलिए दामाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब दामाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बेटा चाहिए। पहले तो बेटे की चाहत में 4-5 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा हुआ नहीं, जमीन मकान दुकान भी है, अरे यार तो सारी वक्त में चली जाएगी, इसको तो बचाना है, कैसे बचाएं, बेटा चाहिए, काम करो एक शादी और कर लेते। और बेटा होगा कि बेटी किस पे डिपेंड करता है? फादर पे। अरे भैया देखो इतने लोग बैठे, इतने फादर बैठे, एक आदमी बता रहे यार। बेटा होगा कि बेटी, ये मदर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? तो फादर तो कॉमन है, मदर बदल रही है, तो पहले से भी 5 बेटी हो गई, एक और मदर आई उससे 5 बेटी और हो गई, सौतन भी आ गई, 10 बेटी हो गई, बेटा तो हुआ ही नहीं। तो समस्या बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगी। गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सभी बेटियों को मिल जाएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सभी बेटियों को एक जैसा हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सभी बेटियों को एक समान हो जाएगा। हम दो, और मैं तो कहता हूं उसमें एक चैप्टर और जोड़ देना चाहिए, हम दो, हमारे दो, सबके दो, लगे हाथ, उसमें यह भी ऐड कर देना चाहिए। उत्तराखंड वाले में तो नहीं है, उत्तराखंड वाले में बाकी सब है, बस यही बचा हुआ है, हम दो, हमारे दो, सबके दो। आशा करता हूं जब सेंटर वाला आएगा तो उसमें यह भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा किसको हुआ? आपको हुआ क्या? डिमांड कौन कर रहा है? चर्चा कौन कर रहा है? हॉल आपने बुक कराया, मुझे दिल्ली से बुलाया, आप समय खराब कर रहे, मैं समय खराब कर रहा हूं, फायदा कुछ है क्या? लेकिन लेकिन कुछ काम परमार्थ में भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग स्वार्थी नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। भारत की संस्कृति मजबूत होनी चाहिए, बेटियों को सेकंड क्लास का सिटीजन हम नहीं बनने देंगे। जिसको विदेशी कुरीति चाहिए उसको भारत में रहना है। अच्छा, इसके पीछे कुछ कंफ्यूजन भी है। एक बार मैं टीवी पे बैठा तो वो हैदराबाद वाले का प्रवक्ता मेरे साथ बैठा हुआ था, वो मेरा वीडियो आप लोग देखना, मैं मुझे लगता है नेटवर्क 18 पे था, आज तक पे था शायद। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप अलग कपड़ा पहनते हो, हम अलग कपड़ा पहनते। अरे हमने कहा ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड थोड़ी है। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो देखना सफेद सफेद है वो। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप अलग कपड़ा पहनते, आप अलग भोजन करते हो, हमारा फूड हैबिट अलग है, आपका अलग है, हम ये खाते हैं आप ये खाते हो, हम नॉनवेज खाते हैं आप वेज खाते हो। हमने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड भी नहीं है, तुम अपना खाओ हम अपना खाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारी भाषा अलग है आपकी भाषा अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, अपनी अपनी भाषा बोलो। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपका रिलीजन अलग है मेरा रिलीजन अलग है। हमने कहा अपना नमाज पढ़ो, हम साथ फेरे करेंगे, आप निकाह करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज जैसे होती होती रहेगी, साथ फेरे जैसे होता रहेगा, अपना अपना करते रहेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? हमारी संस्कृति अलग है आपकी संस्कृति अलग है। हाँ, हमने कहा संस्कृति अलग है ठीक है, आप टोपी पहनो, आप दाढ़ी बढ़ाओ, हम तिलक लगाएंगे, हम रक्षा पहनेंगे, अपना अपना काम करते रहेंगे, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आएगा? अरे हमने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का इससे कोई लेना देना नहीं, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, बच्चा पैदा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, विरासत का अधिकार समान हो जाएगा, वसीयत का अधिकार समान हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार समान हो जाएगा।
अल्टीमेटली भारत की संस्कृति को मानना पड़ेगा। डिबेट खत्म। और आज का हमारा आपका कार्यक्रम भी आशा करता हूं कि हमारी ट्रेन भी राइट टाइम चल रही है, हमारी ट्रेन भी राइट टाइम चल रही है, आई जाएगी थोड़ी देर में, 9:45 तक आ जाएगी, हमें पहुंच जाएंगे हम भी दिल्ली। आप लोगों से एक ही आग्रह है अंत में, वैसे तो हमको मना किया गया था एक नारा लगवाने के लिए, लेकिन लगवा ही देता हूं, जोर जोर बोलना पड़ेगा, इसको बंद करिए जिससे इनकी आवाज आए, कैमरा इधर घुमा दीजिए, मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप पीछे से बोलना अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, गुलामी की पुलिस बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, काशी मथुरा मुक्त कराने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, राधे श्याम, हर हर महादेव।